ठीक है ये जो ऊपर वाला हमने ड्रा किया ना बिगर वन सर्कल उसमें ड्रा करते हैं उसमें भी हमने वाइट से ही ड्रा करनी है ठीक है बट देखिए ना वाइट कलर है ना साइड पर उसमें वाइट से ही ड्रा करेंगे तो वो बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है इसका भी और इसमें कलर थोड़ा सा uh, वही क्वान्टिटी है अभी तक ठीक है उसकी के इतना थिन है कि जो है ना अच्छे से कैलीग्राफी हो जाए बट बहुत थिक नहीं है क्या ना ही बहुत है ना बहुत थिक भी हम यूज़ करेंगे इन फिर आपको पता चलेगा इसका मैंने आपको पता ना कि जब ये ड्राई होता है ना तो इसकी हल वो फेड हो जाता है ना थोड़ा सा कलर फिर उसके ऊपर जब हम आ, सही वाले थिक कलर के साथ डार्क शेड करते हैं ना तो बड़ा अच्छा इफेक्ट आता है तो अभी भी इसको भी हमने ड्रा कर सर्कल को फिल करना है ना तो ये मूव्स वग़ैरह ड्रा करके कर ही फिल करना है ठीक है और इसके अलावा Uh, इसको भी हाफ ही हमने फिल करना है ठीक है जिस तरह ऊपर वाला सर्कल ड्रा किया था ना साइड पर ड्रा भी हमने किया इससे पहले ऐसे ही अभी नीचे जब हम चलते हैं ना तो आपको पता चल जाएगा ठीक है तो अभी हम ये मूवस ही ड्रा करके सर्कल को फ़िल करते हैं आ, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं ना आप ठीक है काफ़ी पहले हमने स्लो स्लो काम किया तो थोड़ा थोड़ा जल्दी जो है ना हाथ को चलाते हैं और इसको फिलअप करते हैं आप इसको एज इट इज़ जो है ना वो फॉलो करें मूव्स को देखें ना कि कैसे ड्रॉ है तो फिर इसी तरह आप भी सर्कल जो है ना अपने फिल कीजिएगा कैनवास के ऊपर ठीक है तो इसको अब आप फॉलो करें तो ये देखिए मूव्स हैं इसमें हमने बड़ी मूव ज़्यादा ड्रा किए ना सर्कल में यहाँ पर मैंने लेड पेंसिल से एक लाइन ड्रा की थी आपको याद होगी ठीक है मैंने आपको कहा था कि हम टू सर्कल्स को डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर तो देखिए वहाँ तक जो है ना हमने मे भी आपको नज़र आ रही है वो हल्की सी लाइन तो उस सर्कल को हमने हल्का सा छोड़ दिया है ठीक है जस्ट लाइक ए पीस ऑफ पिज्ज़ा ठीक है जिसरा उसकी शेप होती है उतना उतना उन्हें छोड़ दिया ठीक है एंड देन बाकी सर्कल को फिलअप कर लिया उसको भी फिलअप करेंगे बट उसको नीचे वाले सर्कल के साथ फिलअप करेंगे ना तो बड़ा अच्छा उसका इफेक्ट आएगा ठीक है तो अभी फिलहाल इसी को फिलअप करते हैं तो अलहद ये जो है ना ये हमारा टर्न हो गया ठीक है सर्कल अब हम करते हैं इसके ऊपर थोड़ी सी थिक कलर के साथ जो है ना अगेन कैलीग्राफी तो ये देखें ये कलर है ये कितना थिक है अब क्या इसको देखें ज़रा ये पहले वाले कलर है ना काफ़ी थिक है जो पहले वाइट कलर हमने जिसे केलीग्राफी किया उससे अब इसके साथ हमने इस सर्कल के ऊपर कैलीग्राफी करनी है ठीक है ये कलर्स थोड़े फेड़ लग रहे हैं और जो अब हम करेंगे ना वो काफ़ी डार्क होगा ठीक है उसके साथ जिसके साथ हम करते हैं अभी जिस कलर के साथ तो सबसे पहले ऊपर वाला सर्कल स्मॉल जो है ना उसको फिलअप करते हैं और अब तो मतलब जो लेटर्स आपने लिखे हुए हैं ना नीचे उनके ऊपर ही करनी है मतलब तो बट एग्जैक्ट उनके ऊपर नहीं ड्रा करना वो भी हल्के हल्के नीचे से नजर आने चाहिए और ऊपर वाले जो आप लेटर्स लिखते हैं ना उनको भी नजर आने चाहिए ठीक है तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें देखने वाली इस सारे प्रोसेस में कि लेटर्स के ऊपर ही लेटर्स को ड्रा नहीं करना ठीक अब ये देखें ऊपर ना हम एक अलिफ ड्रा करते हैं ये यूज़ होता है अक्सर देखें किस तरह से ड्रा करना है स्ट्रेट है देन ऊपर से हल्का से बैंड करके अगेन एक लाइन ड्रा की तो ये टू अलिफ या थ्री अलिफ अक्सर इनको ना एक साथ यूज़ किया जाता है ठीक है तो आपने इनकी भी शेप देख लेनी है कि कैसे इनको ड्रा किया है हमने प्यारे लिखते हैं ना इस तरह से ड्रा किए हुए जस्ट लाइक आई सॉरी जिस इंग्लिश में आई लिखते हैं न थोड़ा उससे मिलता जुलता है क्योंकि okay, अभी यहाँ पर भी हमें मूव ड्रा करनी है okay, तो देखें ये कितनी जल्दी ड्रा किए मूव तो ये बड़ी अच्छी लग रही है ना इस तरह आपने मूव ड्रा करनी है मैंने आपको बताया ना कि जल्दी जल्दी ड्रा करनी है दरम्यान में रुकना नहीं है मूव्स के अदरवाइज मूव्स खराब हो जाते हैं अब इस सर्कल को अगेन थोड़ा सा फिलअप कर लेते हैं ऊपर वाले को तो इसको हमने अप कर लिया स्मॉल ब्रश के साथ अब थोड़ा सा ये जो नीचे हमने कैलीग्राफी की ना जिस ब्रश से उसी को लिया और ऊपर ना जो स्मॉल सर्कल है उसमें थोड़ी थोड़ी लेटर्स लिखते हैं ठीक है बड़े ब्रश के साथ अच्छे लगेंगे वो भी लाइक like मैंने अभी तीसरा ड्रा किए हैं जबर दो एंड एंड दो डॉट्स ठीक है एक मूव ये ड्रा की है तो इस तरह आप इसको फिल नहीं करना बड़े जो ब्रश है ना उसके साथ नो हुँ. बिल्कुल हल्के हल्के ऊपर ऊपर ड्रा करना है बस तो ये ऑलमोस्ट डन होने ही वाला है हमारा ना ऊपर वाला सर्कल इसके बाद हम नीचे वाले को देखते हैं नीचे वाले सर्कल को अब ये जो हमने नीचे ड्रा की हुई है मोस इनके ऊपर ही ये ड्रा कर रहे हैं बट नीचे वाले भी हल्की हल्की नज़र आ रही हैं ठीक है ओके okay, तो काफ़ी ड्रा हो गई हैं अब हम क्या कहते हैं स्मॉल ब्रश अगेन राउंड ब्रश जो है ना वो लेते हैं देन इसके साइडों पर मूव ड्रा करते हैं जिस तरह राइट uh, साइड right पर ड्रा किया ना इसी तरह लेफ्ट साइड पर भी ठीक है मैंने आपको ये बताई थी ना कलम uh, के साथ किस तरह ड्रा की थी बिल्कुल वैसे ही हैं ओके okay, तो ऑलमोस्ट ये ऊपर वाला डन हो ही गया है सर्कल uh, ना स्मॉल अब हमने नीचे वाले सर्कल के ऊपर कुछ मूव्स ड्रा करने हैं ठीक है अगेन हमने वही फ्लैट ब्रश लिया लिप स्माइलिंग का और इसके साइड ऊपर अब थोड़ी बाहर की जानेब जिस तरह ऊपर ड्रा किए हैं ना मूव्स बाहर की जाने ड्रा करनी है देखें मैंने उसको राइट साइड पर जो है ना ड्रा किया अगेन इसके ऊपर हम एक ड्रा करेंगे ये जो दो मूव्स हैं ना एक नीचे की जानेब एक ऊपर की जानेब इनका बड़ा अच्छा कम्बिनीशन हो, होता है ना तो ये मूव्स हैं अगर आप इनको अच्छे से ड्रा कर लेते हैं दैन बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा अगर आप इनमें गड़बड़ कर देते हैं एग्ज़ाम्पल फ़्लो अच्छा नहीं आता इनका फिर इतना अच्छा इफेक्ट नहीं आएगा तो इसलिए मैं आपको अगेन कहूँगी आप इसकी प्रैक्टिस करें पेज के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ताकि आपका कैनवस ख़राब ना हो अब जो है हम इन मूव्स के ऊपर मूव्स ड्रा कर रहे हैं वही लेटर्स वही मूव्स बट फुल फिल नहीं करना आप ठीक है uh, मतलब कि पूरा सर्कल है ना इसको अब कम्प्लीटली इसके साथ फिल नहीं करना बिकॉज नीचे ऑलरेडी एक दफ़ा फिल हो चुके हैं ना ऊपर हमने बस थोड़ी थोड़ी जगहों पर ये मूव्स ड्रा करनी है देखिए मैं हर, हर जगह पर उनको ड्रा नहीं कर रही ऊपर ऊपर ड्रा कर रही कुछ कुछ जगहों पर आपने भी फुल नहीं अब इसको ड्रा करना जिस तरह लास्ट टाइम किया ना कि पूरा सर्कल फिल किया हमने नहीं उस तरह नहीं करना मूव्स ड्रा कर लें लेटर्स लिख लें ऊपर थोड़े थोड़े इफ़ेक्ट लाने के लिए कि नीचे लाइट है तो ऊपर थोड़ा सा डार्क अब आपको पता चल रहा है मे बी कि नीचे लाइट कलर लग रहा है और ऊपर वाला जो वाइट है वो थोड़ा डार्क लग रहा है क्यों लग रहा है बिकॉज नीचे वाला जो था उसमें कलर थिन था थोड़ा तो वो थोड़ा फेड हो गया और ऊपर वाला कलर काफ़ी थिक है ठीक है तो इस वजह से ये फेड नहीं होगा बिकॉज़ ये थक है जब हम कलर कहीं पर लगाते हैं ना तो वो आ, उसका शेड बहुत डार्क आता है तो ये मूव्स हैं आप इनको देखते जाएं कि कैसे कैसे मैं ड्रा करती हूँ तो आप इनको फॉलो कर लें तो ऊपर उसके अंदर जो हमने मूव्स ड्रा करनी थी वो काफ़ी हो गए हैं बट देख लेते हैं बाद में भी अगर कोई ड्रा करनी पड़ गई तो कर लेंगे बट अब थोड़ी बाहर की जाने मूवस ड्रा करते हैं जिस तरह आप ऊपर सर्कल में ड्रा किया हैं दैन इसकी राइट साइड पर किया है अब लेफ्ट साइड पर भी ड्रा कर रहे हैं उसको तो ये मूव्स हैं आप अपनी चॉइस है कि आपको जहाँ पर अच्छी लग रही हैं देन आप उसको ड्रा कर लें अच्छी लगती हैं मतलब इसको जब बाहर की जाने ये वाले मूव्स बनाते हैं ना हम इनको और इनको मॉडर्न कैलीग्राफी में ज़बर और एज ए जेर जो है ना वो कंसीडर किया जाता है okay, तो ये अब इसको हम थोड़ा थोड़ा फिल कर लेते हैं जहाँ पर हमें लग रहा है कि जरूरत है करने की ना ये सर्कल जो है ये तकरीबन तो कम्प्लीट हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह अब हम जो है ना आ, इसको करते हैं ठीक है नीचे तो कर लिया और एक कोट नेक्स्ट करते हैं ना नो हमने थिक कलर लिया ना उसके साथ तो इसके नीचे जो हमने किया वो देखें काफ़ी खुला खुला ड्रॉ किया है आपको पता चल रहा है इससे पहले जो ड्रॉ किया था वो काफ़ी इकट्ठा था, था ठीक है आप कह सकते हैं उसमें उनके दरमियान डिस्टेंस बहुत कम था लेटर्स के दरमियान इसमें थोड़ा ज़्यादा है तो फिर ये अब हम ये करेंगे कि जो ऊपर अब हम ड्रा कर रहे हैं ना ये डार्क कोट ये फिर ज़्यादा ड्रा होगा मतलब कि इसके साथ सर्कल सर्कल को ज़्यादा फिल किया जाएगा लास्ट टाइम मैंने आपको क्या कहा था कि वो जो सर्कल था उसमें आपने मतलब फुल नहीं उसको कम्प्लीट करना आपने डार्क कोट के साथ बट इसको ऑलमोस्ट फुल uh, करेंगे हम बिकॉज नीचे थोड़ा गैप के साथ ड्रा किया हमने बट इस मतलब तो बहुत ज़्यादा कंप्लीट नहीं करना बट uh, पहले की नस्बत थोड़ी ज़्यादा इसमें मूव ड्रा करेंगे और लेटर्स वगैरह भी डार्क कोटिंग के साथ तो अगेन वही मूव्स वही लेटर्स ठीक है जो आपको ऑलरेडी Uh, आते होंगे अब आई थिंक आई होप आपको इनशाला आ गए होंगे ये ड्रा करने अच्छे से बिकॉज देखिए कि हमने कितनी ज़्यादा ड्रा किया है ना पीछे वाले दो सर्कल्स इतने बड़े फिल किए हैं इसको भी फिल किया नीचे से तो काफ़ी ज़्यादा अब आपको इनशाला आ गया होगा तो अलहमदिल्ला ये हमारा जो सर्कल है ये कंप्लीट हो ही गया ऑलमोस्ट अब हम इसके इर्द गिर्द जो मूवस वगैरह ड्रा करते हैं ना आ, उसको देख लेते हैं तो ऊपर देखें अगेन वो अलिफ ड्रा किया हमने जो मैंने आपको बताया कि आई की शेप का होता है वो और अब थोड़ा बड़ा ड्रा किया ना बिकॉज़ हमने जो ब्रश है वो बड़ा लिया हुआ है पहले हमने राउंड ब्रश लिया था छोटा सा अब हमने फ्लैट ब्रश लिया हुआ है टू नंबर का कीप स्माइलिंग का ना वैसे ये जो ब्रश है ये मेरा एक्चुअली ख़राब हो गया हुआ है ना बिकॉज़ uh, ये हार्ड हो गया हुआ है ब्रश uh, इसमें कलर्स वगैरह इतने लग गए हैं और uh, ग्लू यूज़ की थी तो उस वजह से ये हार्ड हो गया बट uh, मैं जब इसके साथ काम करती हूँ तो मेरा अच्छा हो जाता है बट बाज़ मैंने देखे कि टीचर्स या कैलीग्राफ़र्स जो होते हैं uh, वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते वो कहते हैं कि ब्रश ख़राब हो गया दैन वो दूसरे ब्रश यूज़ करते हैं बट मेरा इसे काम चल जाता है अच्छे से तो सो मैं यूज़ कर लेती हूँ इसको अच्छे से काम होता है ना एक्चुअली मेरा इसलिए दूसरे ब्रश जो होते हैं वो उनसे भी अच्छा हो जाता है बट इससे आप कह सकते हैं कि मेरा जो है ना वो बैठ गया है इस पर तो काम चल जाता है ये कुछ मूव्स हमने ड्रा की हैं अब नीचे वाला जो सर्कल है रह गया ना हमारा वो इन हम कल ड्रा कर लेंगे ठीक है आ, उसको फिलअप करेंगे और इसके बाद जो हमारी मेन कैलीग्राफ़ी वाली आयत होगी इन उसको भी करेंगे गोल लिपिंग के साथ और नीचे वाला सर्कल उसको भी फिलअप करेंगे कल इनशाला ये भी नेक्स्ट लेक्चर में अच्छा भी हमारा होगा ना उसमें तो अभी फ़िलहाल आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है मैंने आपको जो मूव्स बताई हैं जो लेटर्स बताए हैं और देखें इनको कैसे फिलअप किया कि नीचे वाली जो कोटिंग है वो आपने लाइट कलर के साथ करनी है ऊपर वाली कोटिंग थोड़े से थिक कलर के साथ करनी है ताकि वो थोड़ा डार्क शेड दे और अच्छा लगे तो ऑलमोस्ट आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया है ठीक है थोड़ा लंबा हो गया देखें दो तीन सर्कल्स हमने फ़िल किए हैं और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया ना तो थोड़ा सब्र के साथ करने वाला काम है इसलिए आप होना बेशक आहिस्ता आहसा इसको कर लीजिएगा बट करना ज़रूरी है ठीक है इसकी प्रैक्टिस करनी है और जिसको कलर ब्रश नहीं यूज़ करना आता उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि पेपर के ऊपर प्रैक्टिस करें ठीक है पेपर के ऊपर प्रैक्टिस करते जाएं दैन कैनवस यूज़ करें बिकॉज मैं नहीं चाहती कि आपकी मटेरियल वगैरह जो है ना वो ख़राब हो जाए या वेस्ट हो जाए इसलिए गुड आइडिया होता है कि आप पहले पेज के ऊपर काम कर लें मैंने खुद जो है ना जब स्टार्ट किया था तो मैंने पेज के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी मतलब कोई रफ होते हैं ना जिसमें मतलब ऑलरेडी यूज़ हुए होते हैं पेज तो वो पड़े हुए थे रजिस्टर तो मैंने उन्हीं के ऊपर जो है ना वो ड्रा करते गए एंड देन मतलब ब्रश चलाना सीखना था बेसिकली तो आप ऐसे इसको सीख सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि आपने कैनवस के ऊपर ही डायरेक्ट यूज़ करना है ब्रश को नो आ, फिर आ, जो होता है ना यही होता है कि चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं तो बेहतर है ना जो हमारे पास अच्छा चांस हो तो दैन तो 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 हमें उसको ले लेना चाहिए अब हम इसकी ऊपर नीचे कुछ मूव्स ड्रा कर लेते हैं जिस तरह हमने लास्ट टाइम किए हैं बट वो बड़ा सर्कल था इसलिए मूव्स भी बड़ी थी अब ये उससे थोड़ा छोटा सर्कल है इसलिए मूव्स भी थोड़ी छोटी होंगी ठीक है इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है नीचे की जाने में ड्रा कर लेते हैं उसके बाद हम कुछ लेफ़्ट साइड पर कर लेते हैं ड्रा ठीक है आ, नीचे तो हो गई ऑलमोस्ट डन इसके बाद जब नीचे वाला सर्कल फिल अप करेंगे तो भी हो जाएंगे उसके साथ भी तो जाहिर है कुछ ना कुछ मूव्स हमें ड्रा करने हैं ना ये साइडों पर जो हम मूव्स ड्रा करते हैं आ, इनसे अच्छा इफ़ेक्ट आ जाता है अगर हम ये ना ड्रा करें ओनली सर्कल रहने दें ठीक लगता है बट मूव्स के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है ठीक है

ओके okay, तो अभी हमने ये अलिफ भी ड्रा कर लिया तो आज का हमारा लेक्चर जो है ये अलहद डन हो गया तो आज का हमारा लेक्चर जो है अलहमद लीला कंप्लीट हो गया आ, काम तो हमने थोड़ा सा ही किया है बट टाइम काफ़ी ज़्यादा लग गया है ना तो देखिए ना हार्ड वर्किंग इसमें काफ़ी ज़्यादा आती है और इसके अलावा टाइम टेकिंग भी है ये तो आपने परेशान नहीं होना बस कोशिश जारी रखनी है ठीक है तो अब आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें Uh, कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो कोई मूव समझ ना आ रही हो वैसे तो इजी मूव्स हैं सारी बस प्रैक्टिस की ही ज़रूरत है तो प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतना आपके लिए अच्छा हो जाएगा ठीक है तो प्रैक्टिस करें बहुत ज़्यादा अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे भी दो में याद रखें इन जो हमारा थर्ड लेक्चर होगा उसमें मुलाकात करेंगे और उसमें हम इन जो है ना वो मेन कैलीग्राफी लिविंग वाली वो भी करेंगे ठीक है तो अल्लाह हाफ़